अगली खबर का रुख कर लेंगे। अगली खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पवित्र सावन महीने की शुरुआत आज हो चुकी है। इस बार जो है सावन महीने की शुरुआत पूरी जल्दी हुई है, 19 साल बाद ऐसा योग बना है। 59 दिन का सावन महीना होगा, यानी तकरीबन 2 महीने का सावन है इस बार। 19 साल बाद ऐसा योग बना है। देखिए काफी महत्वपूर्ण है, काफी महत्व माना जा रहा है इस बार सावन का। मंदिरों में खास इंतजाम किए गए हैं, मंदिरों के पास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी मौजूद रहेंगे। चलिए इसी के साथ अनूप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। अनूप, इस बार सावन में बहुत ही अच्छा योग देखने को मिल रहा है, करीबन 2 महीने का सावन इस बार रहेगा और लगातार देखा जाता है कि सावन के महीने में भक्तों की भी मंदिरों में भीड़ होती है, भक्तों का भी जमावाड़ा सुबह से ही लग जाता है। लखनऊ में किस प्रकार की व्यवस्था की गई है मंदिरों में? देखिए अगर बात की जाए इस सावन की, तो इस बार बेहद खास ये सावन का महीना है। इस बार 8 सोमवार और 9 मंगलवार का सावन होगा, पूरा 59 दिन का सावन का महीना होगा। और इस सावन को देखते हुए, क्योंकि आज सावन का पहला दिन है, इसको लेकर देर रात तक ही मंदिरों में तैयारी चलती रही थी। जितने भी शिवालय है, शिव मंदिर है, और लखनऊ का यहाँ कामेश्वर मंदिर है, काफी प्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ पर देर रात तक की तैयारियां चलती रही। और खासतौर से आज सुबह ही तड़के करीब 3 बजे से ही भक्तों का जमावड़ा मंदिरों में लगना शुरू हो गया। जो प्रमुख मंदिर है, क्योंकि लखनऊ का जो मुख्य मंदिर है मनकामेश्वर मंदिर, यहाँ पर देर रात से ही तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया था। 12-1 बजे तक तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका था, और चूंकि सुबह तड़के जो है 4 बजे से ही लोगों का वहां पे जाना शुरू हो चुका था। मनकामेश्वर मंदिर में जलाभिषेक के लिए शिव मंदिर में लोगों का तांता लगा हुआ है, सुबह से ही लोग लगे हुए हैं। और मंदिरों की अगर, क्योंकि रुद्राभिषेक और भस्म आरती का विशेष महत्व होता है ऐसे सावन के महीने में, तो इसको लेकर भक्तों में भी काफी उत्साह है कि वो जाए और शिव मंदिर में जाकर शिव आराधना करें। इसको लेकर सुबह से ही बताया जा रहा है कि जो शिव मंदिर है वहां सुबह 4 बजे से ही भक्तों का तांता लगा हुआ, और ये अब भी लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि सावन का आज पहला दिन है। ऐसे में पहले दिन जो शिव मंदिर है वहां पर भक्तों का जमावड़ा लगा, और खासतौर से अगर सुरक्षा की बात की जाए, क्योंकि 2 महीने का सावन है, तो इसके लिए डीजीपी स्तर से ही निर्देश दिए थे, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ही निर्देश दिए गए थे, क्योंकि सावन में कांवड़ यात्रा भी शुरू हो जाती है, और जो कांवड़िए होते हैं वो भी जो रुद्राभिषेक या जलाभिषेक करने के लिए जाते हैं, तो ऐसे में उनकी सुरक्षा के साथ ही मंदिरों में जो भी कार्यक्रम होने, चाहे रुद्राभिषेक हो या भस्म आरती के कार्यक्रम हो, ऐसे कार्यक्रमों देखते हुए तमाम तरह की सुरक्षा की मंदिर के आसपास भी सुरक्षा व्यवस्था के मजबूत इंतजाम किए गए हैं। साथ ही जो कांवड़िया जो है, यानी जब कांवड़िया यात्रा जब निकलेगी, जहां जहां से वो यात्रा निकलेगी, उस मार्गों पर भी पुलिस की मुस्तैदी रहेगी, पुलिस की सुरक्षा रहेगी। साथ ही चप्पे चप्पे पर जहाँ पर संवेदनशील जो मंदिर है या संवेदनशील जनपद है, जहाँ पे शिव भक्तों का तांता लगा रहता है, जहाँ हजारों की संख्या में शिव भक्त पहुंचते हैं, तो उस स्थान को देखते हुए वहां पर अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की गई है। फिलहाल लोगों में जो इस साल 19 साल के बाद जो योग बना है, उसको लेकर लोग काफी उत्साहित भी हैं, और शिव मंदिर में शिव की आराधना के लिए लोग सुबह से ही तड़के 4 बजे से ही भक्तों का तांता लगा हुआ, और भीड़ लगातार बढ़ती जा रही, चाहे महिलाएं हो, बच्चे हैं, बुजुर्ग हो, सभी की संख्या लगभग वहां पर जो है मंदिरों में लगातार भीड़ जो सुबह से शुरू हुई थी लगातार बढ़ती जा रही। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो देखिए सावन का महीना है, भक्तों में काफी उत्साह देखा जा रहा है, और ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से भी कड़े इंतजाम किए गए हैं तमाम मंदिरों में।